हमारा चैनल मधु साइंस क्लासेस। मधु साइंस क्लासेस जो हमारे चैनल है उसके द्वारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 6, 7, 8 के लिए भी हमने सब्जेक्ट इंग्लिश में ग्रामर को स्टार्ट कर दिया है। तो ग्रामर में मैं छोटी छोटी चीज़ों से सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगा। तो आज हमारा टॉपिक है वर्ड से लेकर मैं आपको सेंटेंस, उसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको नोट डाउन करें और लर्न करें। अब देखें वर्ड, वर्ड का मीन शाब्दिक मीन होता है शब्द। वर्ड किससे मिलकर बनता है? वर्ड बनता है हमारे लेटर से मिलकर, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वह समूह, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या होता है? अक्षरों का एक समूह होता है दैट हैज मीनिंगफुल सेंस, जिसका एक मीनिंगफुल सेंस होता है। मतलब कोई भी अक्षरों से मिलकर, लेटर से मिलकर बना हुआ जो एक शब्द है, एक वर्ड है, उसका मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं। तो वर्ड की डेफिनेशन दोबारा देखें, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे लाइक पोट, पी ओ टी पोट। पोट में देखो P लेटर है, O लेटर है और T लेटर है, और इन लेटर्स के ग्रुप से मिलकर बन गया पोट, और पोट का मीन भी होता है बर्तन। इट मीन्स दैट वर्ड इज वर्ड। साल्ट, ऐसे साल्ट, SALT ग्रुप हो गया लेटर्स का और उसका मीनिंग भी है, तो उसका मीनिंग होते ही ये वर्ड क्या, ये यूनिट क्या, ये ग्रुप क्या कहलाएगा, ये वर्ड कहलाएगा। ऐसे ही वुड, WOOD, वुड, वुड मीन्स लकड़ी। ऐसे ही CAR, कार। तो ये जितने भी आपके सामने ग्रुप लिखे हुए हैं ये लेटर्स के ग्रुप हैं और इनका सार्थक मीनिंग भी है, इसलिए ये वर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस का मीन होता है वाक्य। अब सेंटेंस किसे कहते हैं? आखिरकार सेंटेंस में ऐसी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिसके कारण हम एक लाइन को सेंटेंस कह सकते हैं? तो देखिए सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। वर्ड क्या होता है, लेटर्स का ग्रुप होता है, और सेंटेंस किसका ग्रुप होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह दैट हैज फॉलोइंग फीचर्स, शब्दों का वह समूह जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। देखो मैंने विशेषताओं में डिवाइड कर दिया, शब्दों का वह समूह दैट हैज फॉलोइंग फीचर, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ये तीनों विशेषताएं अगर किसी लाइन में है, ये तीनों विशेषताएं अगर किसी लाइन में फाइंड आउट हो जाती है, पाई जाती है, तो हम उस लाइन को सेंटेंस कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट फीचर क्या है? फीचर्स का मीन होता है विशेषताएं। फर्स्ट फीचर्स, इट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। जो भी लाइन हमारे सामने लिखी हुई आई है, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जो लाइन है, उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। इट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। कोई भी लाइन है उसका स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है, उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए। दूसरी, इट हैज ए मीनिंगफुल सेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे सामने आया है, जो लाइन हमारे सामने आई है, जो वाक्य हमारे सामने आया है, उसका सेंस भी आना चाहिए। इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप। ये जो लाइन हमारे सामने आई है, इसका एंड या तो फुल स्टॉप पर होता हो, या फिर क्वेश्चन मार्क पे होता हो, या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन पर होता हो। कितने भी प्रकार के सेंटेंस क्यों ना हो, कोई ना कोई सेंटेंस या तो डॉट पे फिनिश होता है, या फिर क्वेश्चन मार्क पर फिनिश होता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन पर फिनिश होता है। तो कोई से भी सेंटेंस, कोई भी लाइन है, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अगर हम उसे सेंटेंस कहना चाहते हैं, तो उसकी ये तीनों विशेषताएं होनी चाहिए। अगर ये तीनों विशेषताएं किसी भी लाइन में पाई जाती हैं, तो हम उसको सेंटेंस कह सकते हैं। अब सेंटेंस का एग्जांपल करके देखते हैं। सीमा राइट्स ए लेटर, सीमा एक पत्र लिखती है। ये तीनों क्वालिटी हम इसमें चेक करते हैं, तभी हम इस लाइन को क्या कह पाएंगे, इसको सेंटेंस कह पाएंगे। ये जो लाइन है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या क्या होनी चाहिए, ये तीनों विशेषताएँ होनी चाहिए। तो पहले चेक करते हैं, इट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। क्या ये लाइन एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है? यस, ये एस कैपिटल आ रहा है। नेक्स्ट, इट हैज ए मीनिंगफुल सेंस। क्या इस लाइन का एक सेंस आ रहा है? सीमा राइट से लेटर, सीमा एक पत्र लिख रही है, हाँ इसका सेंस आ रहा है। इट मींस दोनों क्वालिटी हमारी ओके है।
थर्ड इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप, क्या ये लाइन फुल स्टॉप पर एंड हो रही है? यस, ये लाइन फुल स्टॉप पर एंड हो रही है. सो वी कैन कॉल दिस लाइन सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जांपल लाइक Why are you beating him? तुम उसे क्यों पीट रहे हो? ये भी क्या है? Group of words. Check करते हैं first quality. It starts with a capital letter. Yes, W is capital. It has a meaningful sense. इसका meaningful sense आ रहा है. Why are you beating him? तुम उसे क्यों पीट रहे हो? Sense आ रहा है. Third वाला point. It ends with a full stop और question mark. Yes, ये question mark पर खत्म हो रही है. तो इस line को भी हम क्या कह सकते हैं? Sentence कह सकते हैं. तो सेकेंड लाइन इज ऑल्सो सेंटेंस. थर्ड सेंटेंस, हाउ फास्ट यू ड्राइव योर कार, तुम अपनी कार को इतना तेजी से क्यों चलाते हो? चेक करते हैं इसमें भी. फर्स्ट लेटर एच कैपिटल, हाउ फास्ट यू ड्राइव योर कार, तुम अपनी कार को इतना तेजी से क्यों चलाते हो? मीनिंग आ रहा है इसका, सेंस आ रहा है. अब थर्ड वाला पॉइंट चेक करते हैं, क्या इसकी एंडिंग स्टॉप पर हो रही है? नहीं. क्वेश्चन मार्क पर हो रही है? नहीं. किस पर हो रही है? एक्सक्लेमेटरी साइन पर. इट मीन्स ये तीनों सेंटेंस ऐसे हैं जिन तीनों सेंटेंस में हमारी सेंटेंस की जो क्वालिटीज है वो इम्प्रूव हो रही है और अप्रूव हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको सेंटेंस कह सकते हैं. तीनों लाइन्स को हम क्या कह सकते हैं? सेंटेंस कह सकते हैं. अब सेंटेंस की यूनिट्स क्या क्या होती है? यूनिट्स ऑफ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो वो दो भाग में बटा हुआ होता है, दो यूनिट्स में बटा हुआ होता है, टू पार्ट में वो बटा हुआ होता है. तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट यूनिट क्या है? सब्जेक्ट. कोई भी सेंटेंस हो दो पार्ट में बटा होता है, पहला सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट. किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है वो चेक करते हैं. सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है कर्ता. अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं. अबाउट व्होम और विच वी आर टॉकिंग, जिस व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी जानवर के बारे में हम बात कर रहे हैं. कंसीडरिंग, विचार विमर्श कर रहे हैं. एंड शोविंग या उसके बारे में कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इज कॉल्ड सब्जेक्ट. उस वर्ड को हम सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अबाउट व्होम और विच वी आर टॉकिंग, अबाउट व्होम और विच वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. कंसिडरिंग, विचार विमर्श कर रहे हैं. एंड शोविंग और उसे दिखा रहे हैं, इस ओल्ड सब्जेक्ट. किसी भी लाइफ में जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम विचार करते हैं और जिसके बारे में हम बताते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नाउन, ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये तीन फॉर्म में हो सकता है. नाउन की फॉर्म में हो सकता है, इट मीन्स संज्ञा हो सकता है. प्रोनाउन की फॉर्म में हो सकता है, इट मीन्स सर्वनाम हो सकता है. एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स और शब्दों का समूह भी हो सकता है. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. एग्जाम्पल चेक करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, महेश इज लर्निंग ए पोएम, महेश एक कविता याद कर रहा है. हमारी डेफिनेशन क्या थी? जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है और वो नाउन फॉर्म में, प्रोनाउन फॉर्म में या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. तो महेश इज लर्निंग ए पोएम, महेश एक पोएम याद कर रहा है. इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? महेश के बारे में. इट मीन्स महेश हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. और महेश किस फॉर्म में है? नाउन फॉर्म में है. महेश सब्जेक्ट है और किस फॉर्म में है? नाउन फॉर्म में है. ये हमारा सब्जेक्ट होता है. सेकेंड सेंटेंस, He stole my money. उसने मेरा पैसा चुराया. उसने मेरा पैसा चुराया. अब इसमें देखते हैं कि he क्या है? किसके बारे में बता रहे हैं? He के बारे में बता रहे हैं. ये क्या है हमारा? Subject. ऐसे ही आगे चलते हैं. A brave and courageous man saved me. एक बहादुर और एक साहसी व्यक्ति ने मुझे बचाया. तो बच्चों देखो, इसमें ना तो noun form है, ना उसमें pronoun form है. जो भी है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ये हमारा किसके फॉर्म में दिया हुआ है? नाउन तो है लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दिया हुआ है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट है. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक बहादुर और एक साहसी व्यक्ति ने मुझे बताया. तो किसके बारे में बात की हमने? एक बहादुर और साहसी व्यक्ति के बारे में हमने बात की. तो वो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा हो गया
सब्जेक्ट। नेक्स्ट में चलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? विधेय। इट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट याद करना बिल्कुल आसान है। एक लाइन के अंदर आपने सब्जेक्ट को ढूंढ लिया, अब सब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ, सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा हुआ हिस्सा है वो प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को हटा दो तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा? वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो यही तो लाइन है, इट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब है को छोड़कर। एक्सक्लूडिंग का मीन क्या हो जाएगा? को छोड़कर। सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का पार्ट होता है। इट हैज ए वर्ब, इसके अंदर एक वर्ब होती है प्रेडिकेट के अंदर। टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, और ये जो हमारा प्रेडिकेट है ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। जैसे देखें एग्जांपल, सोहन एट फूड, सोहन ने खाना खाया। किसके बारे में बात हुई? सोहन। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा वो? प्रेडिकेट। अब आप देखें कि इसमें वर्ब भी है और ये एट फूड, ये किसके बारे में बताया जा रहा है? सोहन के बारे में बताया जा रहा है। तो अब देखें, दे आर रनिंग ऑन द रोड, वो सड़क के ऊपर भाग रहे हैं। दे हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब मैंने आज आपको क्लियर कर दिया है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब आज आपको क्या करना है, आपको 20 सेंटेंस बनाने हैं। आपको मैक 20 सेंटेंस। सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये आपका होमवर्क है, मैक 20 सेंटेंस बनाएंगे आप एंड फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और उसके अंदर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे और प्रेडिकेट को फाइंड करेंगे। अब ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।